हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, सभी कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो इन दिनों में बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में सोचा कहीं पर घूम आते हैं। तो घूमने जाने के लिए सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलना था, तो हमने डिसाइड किया था कि सुबह के 6 बजे चल देंगे। तो इसलिए सुबह के मैं 4 बजे जाग गई, और अपना कुछ थोड़ा बहुत तो घर का काम होता है, उसको भी निपटाना होता है। तो मैं यहाँ पर ही जाग कर तैयार हो गई, अपना जो भी ज़रूरी काम होता है उसको करके। तो ये कुछ सामान तो मैंने शाम को ही रख दिया था, और कुछ जैसे पानी वगैरह कैंपर वगैरह में तो ये किया गया, मैंने ये सुबह भर लिए। तो एक बोतल ले जाते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी आता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो अपनी गाड़ी तो होती है, इसलिए एक कैंपर रख लेती हूँ। तो ये सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए थे, कि फिर वहाँ से आते हैं तो झूठे बर्तन जिससे कि ना मिले पड़े हुए। तो जो भी हम चाय वगैरह पी सुबह की, नाश्ता वगैरह के, सारे बर्तन सुबह मांज दिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पर ये एक जगह है, ये आपके पड़ती है कुशालगढ़ के आसपास, ये अलवर के अंदर है। तो ये एक नटनी का बारा है, तो यहाँ पर ये नदी पड़ती है। तो हम इसको देखने के लिए रुक गए। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने तो पहली बार देखा था, तो इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बरसात के दिनों में भी पानी, अभी क्या है, बरसात शुरू हुई है तो पानी तो है, इतना पानी नहीं है इसमें। तो इस नदी में आपको मैं बताती हूँ, इतने मोटे मोटे कछुए होते हैं कि आप अभी इनको पानी के अंदर आप देख पा रहे होंगे। मैं आप इनको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, इतने मोटे मोटे कछुए होते हैं। इनमें सभी लोग इनको, कोई घर से गोली बना कर ले आता है आटे की, और कोई यहाँ पर ब्रेड ही खरीद के और इनको खिला देते हैं। फ्रेंड्स, हमने ब्रेड खिलाए थे, तो इन्होंने बड़े ही चाव से खा लिए थे। तो ये देखिए, एक झरना सा बहता है, ये नीचे से पानी आता है, पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी नदी बहती हुई आती है, और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बरसात के दिनों में देखिए, आप देख सकते हैं इनको, कितने लोग यहाँ पर जो भी देखने आते हैं, ब्रेड का पैकेट तो ज़रूर डाल के जाते हैं। तो हमने इनको पहले बिस्किट खिलाकर दिखाई थी, तो बिस्किट तो ऐसे ही पानी में तैर रही, लेकिन इन्होंने नहीं खाई। तो फिर वहाँ पर लोग कह रहे थे कि इसमें मीठा होता है, इसलिए बिस्किट तो खाते नहीं हैं। तो आप ये देखिए, बिस्किट को भी ये लोग पहचान जाते हैं कि इसको नहीं खाना है, और ब्रेड आप डालो इतने चाव से डायरेक्ट मुंह में ले लेंगे। और सभी मतलब कछुए होते हैं इसमें, जो भी जीव जंतु इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर, और सभी लोग यहाँ पर दुकान से ही एक ब्रेड का पैकेट लेते हैं और उनको तोड़ तोड़ कर इनको खिलाते हैं। मुझे तो ये सीन देख कर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बरसात के दिनों में आए तो वो यहाँ का सीन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर एकदम से ऐसा शिमला जैसा मौसम लगता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कितने सारे लोग बाग हैं और इनको ये खिला रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पहाड़ों पर कितनी धुंध सी छाई हुई है, जबकि अभी तो बरसात हो भी नहीं रही है, शायद सुबह यहाँ पर बरसात हुई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत सड़क देखा था तो वो गीली हो रही थी। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं नटनी का बारा कहते हैं। यहाँ पर एक नटनी थी, तो वो नट का खेल दिखाती थी, एक छोर के पहाड़ से और दूसरे छोर पर वो रस्सी की सहायता से चली जाती थी। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है, ऐसे मतलब लोग कहते हैं कि एक बार उसका बच्चा रो गया था, तो वो इस पहाड़ से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर कर समाप्त हो गई। तो तब से इसका, इस एरिए का नाम नटनी का बारा हो गया। तो यहाँ पर हमने कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से अपना टाइम दिया और इनको देखा, ब्रेड वगैरह खिलाए। तो हमें घूमने जाना था, तो फिर हम फिर से गाड़ी में बैठ गए। अब बरसात के दिनों में आप देख सकते हैं सभी जगह कितनी ही हरियाली छाई हुई है। तो ये तो सरिस्का है, सरिस्का में तो वैसे ही पहाड़ी एरिया है, तो बरसात के दिनों में यहाँ पर आना बहुत मतलब
सभी लोग पर्यटक लोग इधर आना पसंद करते हैं, क्योंकि आप पहाड़ों पर देखेंगे कि इतनी हरियाली छा जाती है सारे पहाड़ों पर। जो गर्मियों में तो सिर्फ आपको पहाड़ दिखेंगे, इन दिनों में वहाँ पर सभी तरीके के पेड़ पौधे और मतलब ये पेड़ उगाते हैं वहाँ पर, तो सारे मतलब पहाड़ को हरियाली ढक लेती है। और आप यहाँ पर देखेंगे ऐसी मतलब बादलों